ये हेलो गाइस, दिस इज सुमित सिंह और आप देख रहे हो सैम सपोर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे पहले हम लोग ट्रैवल करते थे, कोई भी ट्रेन, कोई भी जो भी ट्रेन रहती थी, अगर मेल या एक्सप्रेस है, उसका हम लोग अनरिजर्व्ड यानी कि चालू टिकट ले लेते थे और उसी रूट पर दूसरी कोई भी ट्रेन जा रही है उसमें बैठ कर हम लोग ट्रैवल कर लेते थे। क्या वो चीज़ आज भी पॉसिबल है या फिर नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो पहले हम मुझे पूछे जा रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब मैं सोचूंगा कि इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल होंगे तो वह ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जब भी हमें किसी रूट पे ट्रैवल करना होता था तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि किसी भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन की अनरिजर्व टिकट निकाल लेते थे और उस ट्रेन के उसी रूट पे अगर कोई दूसरी ट्रेन जाती है तो उसमें हम लोग बैठ के भी चले जाते थे और वहाँ पे इजीली हम लोग को मतलब ट्रैवल कर लेते थे, कोई हमको फ़ाइन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से आपको भी पता होगा कि जितनी भी चालू ट्रेनें थी उनको पहले से बुक की जाने लगी, मतलब कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन सिस्टम बना दिया गया, यानी कि पहले जो अनरिजर्व सीटें थी वह मतलब कि कितने लोग भी उसमें ट्रैवल कर लेते थे, लेकिन अब जो अनरिजर्व सीटें थी उनकी एक मतलब कि काउंटिंग हो गई, एक नंबर्स हो गए, उस नंबर तक ही हमको बुकिंग मिलने लगी है। अब ऐसे में सवाल उठता कि जैसे हम लोग पहले किसी मेल या एक्सप्रेस का टिकट का ट्रेन का टिकट निकाल लिए, अनरिजर्व या चालू टिकट निकाल लिए और किसी और में ट्रैवल कर लेते, वैसे अब कर पाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। मेरे दो तीन दोस्त लोग थे, वह जस्ट ट्रैवल कर रहे थे रिसेंटली, अभी शायद ये वन वीक पहले। तो उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने एक मेल टिकट का मेल ट्रेन का टिकट निकाल लिया अनरिजर्व। अब उन्होंने प्लान किया कि चलो मैं दूसरी ट्रेन से चला जाऊंगा, यह अनरिजर्व नहीं है लेकिन मेरा ऑलरेडी मेल का टिकट है तो इसमें चल जाएगा तो मैं इसमें चला जाता हूँ। अभी होता क्या कि जब भी आप अनरिजर्व टिकट कोई भी किसी भी ट्रेन में बुक करते हो तो वहाँ पे आपको एक मतलब कि बुकिंग सिस्टम टाइप में हो गया है, आपको वहाँ पे एक सीट अलॉट हो जाता है, एक कंपार्टमेंट में आपको ये बता दिया जाएगा आपकी ये सीट नंबर है। इसी तरह से उस मेरे फ्रेंड का भी एक सीट नंबर उसको मिल गया, लेकिन वो क्या किया कि नहीं भाई मेरा तो मेल का टिकट है, मैं तो किसी में भी बैठ के चला जाता हूँ, चलो एक काम करता हूँ मैं दूसरी ट्रेन जा रही उसी रूट पे मैं उसको पकड़ लेता हूँ, वो मेरे टाइमिंग के हिसाब से सूटेबल है और मैं इसी में जाके ट्रैवल कर लेता हूँ। और यही प्लान करके वो बंदा दूसरी ट्रेन में बैठ गया। दूसरी ट्रेन तो एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी और ना ही मेल थी, तो उसने सोचा कि चलो मैंने वो ऑलरेडी टिकट लिया है, यह टिकट इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा तो वहाँ पे टीटी उसको मिला और टीटी ने उसे उसका टिकट चेक किया। जैसे ही टिकट चेक करता है तो वह देख लेता है उसका जो सीट था वो किसी और ट्रेन में बुक था, वह बंदा किसी और ट्रेन में बैठा है। तो टीटी ने वहाँ पे उसको क्लियरली बोला, भाई ये टिकट आपको चलने वाला नहीं इस ट्रेन में, आपको यहाँ पे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो जो आपके मन में जो सवाल आ रहा था कि किसी एक्सप्रेस ट्रेन का मैं टिकट निकालता हूँ किसी और ट्रेन में मैं बैठ के जा सकता हूँ, तो यह टोटली आप नहीं जा सकते हो। कोविड जब से चालू हुआ था तब से यह नया नियम ला दिया गया है, तो अभी तक ये नियम हटा नहीं है, तो आप अभी भी नहीं जा सकते हो, यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वहाँ पे उसको टीटी फाइन मारता है और वह फ़ाइन पे करता है, उसके बाद वह उस ट्रेन में ट्रैवल करने शुरू कर देता है। वह भी फ़ाइन कितना लेता है, जितना उस ट्रेन में टिकट का ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट होता है उतना उसको फ़ाइन देना पड़ता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि किसी भी अनरिजर्व टिकट या मेल या एक्सप्रेस का लेके मैं किसी और ट्रेन में बैठ के चला जाऊंगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पूरा टिकट का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने और जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। और इसी तरह के ढेर सारे कंटेंट आप फ्यूचर में पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो हमें सपोर्ट हो जाएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो निकले वह सबसे पहले आपको जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।